हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट आविष्कार। टुडे आई हैव कम हियर विद न्यूज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फॉर यू। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड इन दिस पैंडेमिक। लेट्स गेट स्टार्टेड, टू मच वेस्ट योर टाइम। फर्स्ट फैक्ट इज द नेम इंडिया इज ओरिजिनली डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर सिंधु। जो इंडिया नेम है हमारी कंट्री का, वो कहाँ से डिराइव होकर आया है? रिवर सिंधु, जिसको हम इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहते हैं, वहाँ से ही ये डिराइव होकर आया है। सेकंड क्या है हमारे पास, वास्को डी गामा वाज अ फर्स्ट पुर्तगीज एक्सप्लोरर एंड द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी रूट। जो वास्को डी गामा सबसे पहले यूरोपियन थे और पुर्तगीज से जो एक्सप्लोरर थे, इंडिया में आए थे किसके थ्रू? सी रूट के थ्रू आए थे। जो भी कब आए थे? 1497 में। ओके, उसके बाद ही हमारे इंडिया में ब्रिटिश जो आए ट्रेड करने के लिए आए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास, वारन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो वारन हेस्टिंग थे, सबसे पहले क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के। उससे पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारे पास, द इवेंट विच बिगेन ऑन 10th May 1857 आर नाउन वेरियसली एज द इंडियन म्यूटनी, द सिपाही रिवॉल्ट एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो 1857 में क्या हुई थी, रिवॉल्ट हुई थी, वो अलग अलग नाम से जानी जाती थी। जैसे मैंने बताया आपको कि इंडियन म्यूटनी, सिपाही रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अलग अलग नेम से क्या थी, जानी जाती थी। और ये सबसे पहली वॉर थी जो इंडिपेंडेंस के लिए हमारे इंडियंस ने क्या की थी, लड़ी थी। और इसके बहुत सारे जैसे लीडर्स निकल के आए थे, जैसे नाना साहेब थे, जो लक्ष्मीबाई जी थी, और तांतेय टोपे जी थे, और मौलवी लिकायत अली थे। ये अलग अलग जगह से क्या कर रहे थे, इस रिवॉल्ट को लड़ रहे थे। इसके बाद ये फेल हो चुकी थी, बट ये सक्सेसफुल हो नहीं पाई थी, पर फिर भी ये क्या थी, फर्स्ट वॉर थी इंडिपेंडेंस के लिए। हमारे इंडियंस के अंदर थोड़ा सा जुनून आया कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, अपने इंडिया को हमें क्या करना चाहिए, इन ब्रिटिशर्स से क्या करना, आज़ाद करना चाहिए। उसके बाद ही उन्होंने क्या किया, ये रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था। और ये ऐसा माना जाता है कि इनके पास कोई स्ट्रांग लीडर नहीं था, इसलिए ये हमारी जो रिवॉल्ट थी 1857 की सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। फिफ्थ क्या है हमारे पास, द नेम ऑफ स्टेक्स एंड लैडर्स क्रिएटेड बाय द 13th century पॉइंट सेंट ज्ञानदेव। जो स्नेक्स और लैडर की गेम है, वो भी इंडिया में ही क्रिएट हुई है, और किसने की थी, ये पॉइंट सेंट थे ज्ञानदेव, इन्होंने ही की थी, जिसको हम हिंदी में सांप सीढ़ी भी बोलते हैं। सिक्स क्या हमारे पास, द वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इज इन चेल। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पे, चेल में। वो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। जो विलिट कब की गई थी, 1893 में। कब की गई थी, 1893 में। और जो क्रिकेट पिच कितनी है, ये इस 2444 मीटर्स अबव द सी लेवल। सोचिए इतनी बड़ी ग्राउंड है ये, वो भी हिमाचल प्रदेश में। सेवन्थ क्या है हमारे पास, इंडिया वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री टिल द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन द अर्ली 17th century। जो हमारा इंडिया है, जब तक हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उससे पहले तक क्या था, जो सबसे अमीर कंट्री मानी जाती थी। एट क्या हमारे पास, जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म वर फाउंडेड इन इंडिया इन 600 BC एंड द 500 BC रिस्पेक्टिवली। तो जैनिज्म है इंडिया में ही क्या हुआ है, फाउंड हुआ है 600 में, और जो बुद्धिज्म कब हुआ है, 500 BC में। नाइन्थ क्या है हमारे पास, द वेल ब्रिज इज द हाइस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। जो वेल ब्रिज है वो सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है, हाइस्ट ब्रिज। ये लोकेट कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है, लद्दाख वैली में, बिटवीन द्रास और सुरू रिवर के ऊपर। किसके ऊपर है, द्रास और सुरू रिवर के ऊपर है, इन द हिमालयन माउंटेन। कहाँ पे, हिमालयन माउंटेन में। ओके, और ये कब बुलेट हुआ था, 1982 अगस्त में हुआ था। और ये किसने बनाया, इंडियन आर्मी के थ्रू बनवाया गया है। ओके, टेंथ एंड लास्ट वन क्या है हमारे पास, द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री हैड कम अप एट सूरत इन जनवरी 1613। जो सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर कंपनी थी हमारे इंडिया में आई थी, वो कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और जो उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री सेटअप की थी, कहाँ की थी, सूरत में की थी। थैंक यू गाइस, I hope it was helpful video for you. Thank you very much for watching this video. Bye bye. Take care. Don't forget to subscribe our YouTube channel Bright Avishkar. I will come back with new videos and content also for you guys. Bye.